की रूटीन कि मैंने एग्जाम को कैसे मैनेज करा है रमजान में, तो ये उसका व्लॉग है। और इसी के साथ और हमारे एसी भी बन के आ चुके थे तो उसका भी व्लॉग है, तो बहुत मजे का ये व्लॉग बना है। तो वीडियो की तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ज्यादा एड्स देखें उतने ज्यादा एड्स देखिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। और एसी वाले आ चुके थे एसी लगाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में अभी एसी लग रहा है, और इसके बाद ये लोग आउटर लगाने जाएंगे। और अभी एसी की ये लोग फिटिंग वगैरह कर रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि एसी हम लोग का ख़राब हो गया था और बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें से गैस निकल गई थी, तो इसलिए अभी ये लग रहा है। ये एसी आ चुका है, ये बनवाने के लिए दिया था, ख़राब हो गया था, तो अभी ये लग चुका है। और अभी वो लोग नीचे गए हैं आउटर लगाने के लिए, अब ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आउटर लगेगा, अभी वो लोग नीचे गए हैं आउटर लगाने के लिए, तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। और अब आउटर लगाना है, आउटर लगाने का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो आउटर का स्टैंड है वो काफ़ी ऊपर है और आउटर बहुत ज़्यादा भारी था और आउटर को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने इस चीज़ की वीडियो बना ली कि आप लोग भी देख सकें कितना मुश्किल काम है। तो ये है सरफ का पानी, अभी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ एसी वाले के पास। जल्दी से चलते हो, पेपर भी याद करना, जल्दी से चलते हैं, पहले काम निकलाते हैं फिर याद करते हैं पेपर। यहाँ पर है वो, कितना टाइम लगेगा और क्यों नहीं पैसे पूछ रहा ये करेगा फिर कि बाकी एसी में की सफाई करेगा कि सब में हवा मारेगा। अच्छा, ये आउटर चेंज कैसे हो गया? ये खराब हो गया ना अपने वाला, तो दूसरा लाया है। अच्छा, वापस नीचे जा रहे हैं ये मशीन लेने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं, बहुत सारे काम करवाने हैं सारे एसी की। और अभी वो गैस भर रहे हैं, फाइनली थोड़ी सी कूलिंग आ रही है, चेक करते हैं। हाँ थोड़ी आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। क्या बहुत मुश्किल काम थे, 10 बज चुके हैं, पेपर मुझे अभी भी याद करना है, लेकिन इससे फारिग हो जाते हैं फिर याद करेंगे। अभी मुझे तो लग रहा है कूलिंग आ रही है, और अभी तो तीनों ऐसे के तनी आउटर में पापा कुछ करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर जैसे इस काम से फारिग होंगे फिर पेपर याद करेंगे और फिर सहरी करेंगे। तो अब है इस एसी की बारी, इसके आउटर के अंदर जो है वो हवा पता नहीं क्या मारते हैं, वो हवा मारेगा शायद, तो उससे ये होगा कि उसकी जितनी मिट्टी विट्टी होगी सारी निकल जाएगी। तो आपको पता है कि आगे गर्मियों का मौसम है और रमज़ान भी है, तो इसलिए बाबा से ही करवा रहे हैं सारी एसी। तो अभी हम व्लॉग भी बना रहे हैं साथ साथ, एसी का काम भी करवाना है, उसके बाद फिर हमें याद करना है। तो अभी देखते हैं एसी की सफाई हुई है या नहीं। तो इस पर नहीं हुआ है क्योंकि इस पर उसका हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए ऊपर था बहुत ज़्यादा आउटर, तो इसलिए इस पर नहीं हुई है, इसको वैसे ही साफ़ कर दिया। तब चलते हैं दूसरे एसी पे। तो अब इस वाली एसी की बारी, तो अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए, आप लोगों से शावर लेके मिलूंगा, उसके बाद ही पेपर याद करेंगे और सैरी करेंगे। तो मैं मोबाइल को लगा रहा हूँ चार्ज पर, मैं जा रहा हूँ शावर लेने, तो आप लोगों से मिलते हैं शावर लेके। तो मैं शावर लेके आ चुका था, अभी मैं कर रहा हूँ याद करना स्टार्ट, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने सारी कॉपीज़ कैसे रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं स्टार्ट करूँ याद करना, फिर आप लोगों से 2-3 घंटे बाद मिलते हैं। और अभी तक पढ़ाई चल रही है, 2 बजने वाले हैं और अभी तक पढ़ाई चल रही है, थोड़ा सा रह गया बस फिर एंड होने वाला है, थोड़ी सी पढ़ाई और रह गई बस फिर दशहरी, थोड़ी सी पढ़ाई करके फिर मिलते हैं। सामने फिर निखारा है वो भी बताइएगा। बैक, तो मैंने सहरी कर ली थी, सहरी में मैंने आलू गोभी खाई थी और दही भी खाया था, उसके बाद फिरनी भी खाई थी, तो सहरी हो चुकी थी, उसके बाद रोज़ा बंद हो गया था और मैं उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गया था। नमाज़ पढ़ने आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गया था, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल और अब मैं आप लोगों को स्कूल से आके ही मिलूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस तैयार होने के लिए क्योंकि वैन बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए बस मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल और आप लोगों से मैं स्कूल से आके ही मिलूँगा। तो अभी मैं खा रहा हूँ बिरयानी और आप लोग कमरे के अलग देख सकते हैं क्योंकि कल दोबारा पेपर है, इसलिए बस अभी मैं तैयारी भी कर रहा था, तो उसके साथ मुझे भूख लगी, मैं बिरयानी खा लेता हूँ। तो मैं स्कूल से आके जोहर की नमाज़ पढ़ के सो गया था, उसके बाद मैं बाद में उठा था, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया इतना खास। तो वेलकम बैक, तो सैरी मैंने कर ली थी, उसके बाद में हो गया था
फ्री, उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया। अब मैं दोबारा पेपर याद कर रहा हूँ कि मेरा कल भी पेपर है, लगातार 3 पेपर है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेता हूँ, और अभी तो 1 घंटा है सैरी बंद होने में, भी 4 बज रहे हैं, मुझे थोड़ा सा पेपर और याद करना है, सुबह स्कूल भी जाना है, फिर कल दोबारा पेपर है, 3 लगातार पेपर है, और तीनों में मैंने व्लॉग बनाया है। तो ये व्लॉग मेरा पूरा स्कूल रूटीन होगा कि मैंने पेपर कैसे दिए हैं उसी के अंदर, तो ये उसका पूरा व्लॉग है। तो भी बस मुझे थोड़ा सा और याद करना, उसके बाद फजर की और रोज़ा बंद होगा, फजर की अजान होगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा और फिर स्कूल जाना है। तो अभी मैं याद करने जा रहा हूँ, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह रोज़ा जब बंद हो जाएगा फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं लूँगा। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और आज भी मेरा पेपर है, तो अभी जल्दी स्कूल चलने वरना वैन निकल जाएगी। तो अभी स्कूल जा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से स्कूल से आके मिलूँगा। तो वेलकम बैक। तो मैं स्कूल से आ चुका था, अभी मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने गया था, तो जोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पेपर दे के, पूरे हाथ में मेरे दर्द हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इफ्तार से पहले असर की नमाज़ पर ही उठ जाऊँगा मैं। तो हो सकता है मैं शायद इफ्तार में व्लॉग नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है उस टाइम पर, असर के टाइम पर, असर मगरिब के टाइम पर, इसलिए हो सकता है मैं आप लोग बात नहीं मिली। तो अभी देखते हैं जो भी रूटीन लगी है वो हम लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप लोगों से मिलता हूँ मैं जब मैं उठूंगा। तो ये है आज हमारी इफ्तारी, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो आखिर बना ही ली, तो वीडियो एंजॉय करें। क्या बोला था? पता नहीं। रोजा रखो, रोजा रखो, आ गया रमजान। उसके बाद रोजा रखो, आ गया रमजान। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान। रोजा रखो, रोजा रखो, बोल दिया ना? बोल दिया। लो लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब करो, बाय बाय, चैनल का लाइक और कमेंट भी करो, कमेंट भी करो, बाय बाय, मिलो मिलूंगी, ठीक है? फिर आप मुझे सब करना, ठीक है? बंद कर दे, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या बोल रही हो? उल्लू, उल्लू बना, बंद कर दे, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ दोबारा बोलो, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वाह चलो सही, अब ऑफिस कर दो, बाय बाय, बंद कर दो। कैसे? ऐसे जैसे आप कर रही हो। नहीं इधर है कैमरा। हाँ हो गया। हसबी रब्बी जल्ला माफी कलबी दे नूने हम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे इतना दिए, अब क्या? हसबी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला। इससे आगे आती है हसबी रब्बी जल्लल्ला। तो वेलकम बैक। जैसा कि सकीना ने आपको नाच सुनाई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम करा, उसके बाद मैंने सहरी करी, फिर नमाज पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के हो चुका था मैं बिल्कुल फारिग। और अभी बज रहे हैं 6:10, 50 मिनट बाकी है स्कूल जाने में, और मुझे तैयार भी होना है। तो अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं थक गया था, और आज ही स्कूल जाना है, कल फिर आज मतलब आज जाना है, और कल हमारा फिर गैप है स्कूल का, फिर फ्राइडे को पेपर है, और फिर मंडे को फिर हमारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, और फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। तभी बस मैं आराम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगा, तो मैं स्कूल से आके आप लोगों से मिला। हमारा ये व्लॉग 3 दिन से चल रहा है, 3 दिन मेरे पेपर थे, और तीनों दिन ही मैंने व्लॉग बनाया है। तो ये मैं व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाहर का मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि कितना प्यारा व्यू हो रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि सुबह का कितना प्यारा व्यू हो रहा है। फजर के बाद का टाइम है, मतलब 6:10 हो रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कितना कितना खूबसूरत व्यू है। तो बस इधर व्लॉग को एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।